बच्चों आज हम जो सेल ऑर्गेनली पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। आपने जब प्लांट सेल का डायग्राम बनाया था उसमें आपने प्लास्टिड्स क्लोरोप्लास्ट आपने क्लोरोप्लास्ट बनाए थे बहुत सारे ग्रीन कलर में। सो दैट दोज आर प्लास्टिड्स ऑनली। जो आपने क्लोरोप्लास्ट बनाए थे वो प्लास्टिड्स ही हैं। क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल्स में ही पाए जाते हैं। आपको पता है जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए काम आता है। ठीक है, सो प्लास्टिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। ठीक है, ये आपको पता ही है कि प्लास्टिड्स या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, सो प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। आपको एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको किसमें मिलेंगे प्लास्टिड्स, आपको प्लांट सेल में ही मिलेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स के दो प्रकार है, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। फर्स्ट वन इज क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड होता है। अदर वन इज ल्यूकोप्लास्ट व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिड। क्रोमो वर्ड का ही मतलब कलर्ड है, ठीक है, सो क्रोमोप्लास्ट इज कलर्ड प्लास्टिड एंड ल्यूको इज कलरलेस, ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, क्रोमोप्लास्ट दैट इज कलर्ड प्लास्टिक्स एंड ल्यूकोप्लास्ट दैट इज व्हाइट और कलरलेस प्लास्टिक। सो टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, फिर से टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, फर्स्ट वन इज क्रोमो, सेकेंड वन इज ल्यूको। क्रोमो मीन्स कलर्ड, ल्यूको मीन्स कलरलेस, ठीक है। सो नाउ हम अभी क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमो से क्लोरो क्यों पढ़ रहे हैं हम? देखो क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, तो अगर ग्रीन कलर पिगमेंट है, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। देखें यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो कि कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, अगर वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट करते हैं, पिगमेंट का मतलब होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो कलर देने में काम करते हैं और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं अलग अलग प्रोसेसेस में, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट कंटेन द पिगमेंट क्लोरोफिल, ठीक है, जब क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल होता है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसे कहते हैं? जब क्रोमोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है वो तो पता ही है, दे आर इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। क्लोरोप्लास्ट में ऑल्सो कंटेन्स वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट्स इन एडिशन टू क्लोरोफिल। तो जरूरी नहीं है ग्रीन कलर्ड क्लोरोफिल ही है क्लोरोप्लास्ट में, इवन येलो ऑरेंज ऐसे ऐसे पिगमेंट्स भी है, ठीक है, येलोइश कलर ऑरेंज कलर भी आपको दिखेगा, ठीक है। सो बेसिकली प्लास्टिड्स आर ऑफ टू टाइप, दो तरह के हैं, क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। अगर क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमोप्लास्ट में अगर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है तो उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। क्लोरोप्लास्ट के पास और भी पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट पढ़ेंगे। ल्यूकोप्लास्ट भी कलरलेस प्लास्टिड है। तो ल्यूकोप्लास्ट किस काम का है? ल्यूकोप्लास्ट में मटीरियल स्टोर होता है, कौन कौन सा? स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स स्टोर होते हैं, ठीक है। सो इस तरह से फिर से प्लास्टिड्स, दे आर फाउंड इन प्लांट सेल्स। टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, वन इज क्रोमो, सेकेंड इज ल्यूको। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? जो कंटेन करते हैं पिगमेंट क्लोरोफिल तो उन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। इवन क्लोरोप्लास्ट बाकी पिगमेंट्स भी कंटेन करता है येलो कलर ऑरेंज कलर के, ठीक है। व्हाट इज ल्यूकोप्लास्ट? ल्यूकोप्लास्ट एक कलरलेस प्लास्टिड है। ल्यूकोप्लास्ट क्या क्या काम के आता है? उसमें स्टोर हो सकता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। सो नाउ स्ट्रोमा, व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अगर आप क्लोरोप्लास्ट का अंदर का ऑर्गेनाइजेशन देखें, क्लोरोप्लास्ट का अंदर का हिस्सा देखें, तो जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन वाले लेयर्स होते हैं, बहुत सारे लेयर्स होते हैं अंदर। सो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्ट्रोमा। और ये जो किस में होते हैं ये सारे लेयर्स? स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस लेयर्स होते हैं
और वो लेयर्स किस में होते हैं, स्ट्रोमा, बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसे एकदम आप देखते हो कि इंटरनल फोल्ड्स इतने सारे होते हैं, तो वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं। वो सब किस में स्टोर होते हैं, स्ट्रोमा में, ठीक है। सो द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड द स्ट्रोमा। अच्छा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लास्टिड्स? प्लास्टिड्स क्या मतलब, प्लास्टिड्स आपने पढ़ा कि भाई क्लोरोफिल एक तो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब अगर आप ओवरऑल बोलो तो फोटोसिंथेसिस, फिर स्टोरेज में स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, ग्रैन्यूल स्टोर करने में ल्यूकोप्लास्ट काम आता है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद कराता है, ठीक है। एंड और क्या इम्पोर्टेंस है इसका, माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे ही प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वैसे आपने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियस के पास डीएनए है, फिर कल आपने क्या पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन सिंथेसिस कर पाता है माइटोकॉन्ड्रिया। आज आप पढ़ रहे हो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद एक और है सेल ऑर्गेनली जिसके पास खुद का डीएनए है, खुद का राइबोसोम है, ठीक है। सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड के पास भी अपना डीएनए एंड अपना राइबोसोम है, ठीक है। सो ऐसा क्वेश्चन आया कि विच सेल ऑर्गेनलीज हैव देयर ओन राइबोसोम्स एंड हैव देयर ओन डीएनए, सो दे आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। सो हेयर वॉज योर प्लास्टिड, अ वेरी शॉर्ट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। ये सब आपको लिखना रहता है नोटबुक में, यू हैव टू राइट इट एवरीथिंग इन योर नोटबुक, इट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है, यू हैव टू राइट इट। सो फिर से प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, क्रोमो ल्यूको। क्रोमो में अगर क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेंट है दैट इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, क्लोरोप्लास्ट के पास और भी पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल के अलावा। देन ल्यूकोप्लास्ट, वो उसमें स्टोर होता है स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। स्ट्रोमा, जब क्लोरोप्लास्ट का इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एकदम लेयर्स में एम्बेडेड होता है, वो स्ट्रोमा में ही होता है। सो इम्पोर्टेंस क्या है इसका, इसके पास अपना डीएनए है, अपने राइबोसोम्स हैं। सो हियर वी एंड अवर प्लास्टिड्स। बच्चों अभी हम एक लास्ट सेल ऑर्गेनल ही पढ़ेंगे, दैट इज वैक्यूल्स, ठीक है। सो वैक्यूल्स आपने पढ़े थे, वैक्यूल्स आपने प्लांट सेल में एकदम सेंटर में एकदम बड़ा सा बनाया था। सो आपने न्यूक्लियस नहीं बना के, न्यूक्लियस आपने साइड में बनाया था प्लांट सेल में, एंड यू मेड वैक्यूल। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस पता चलता होगा वैक्यूल कितने इम्पोर्टेंट होते हैं प्लांट सेल्स में, न्यूक्लियस की जगह देखते हैं, मतलब न्यूक्लियस इतना इम्पोर्टेंट होता है सेल में, उसकी जगह वैक्यूल बनाया गया था प्लांट सेल में। सो ये उसका इम्पोर्टेंस ही दिखाता है। तो देखें वैक्यूल्स क्या है, सो वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, ठीक है। वैक्यूल जो होता है एक सैक की तरह है, एक स्टोरेज सैक की तरह, इसमें स्टोर किया जाता है, क्या स्टोर करते हैं, सॉलिड और लिक्विड चीजें, कंटेंट्स, ठीक है। सो वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स, वैक्यूल्स एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं पर बिल्कुल बहुत छोटे छोटे पाए जाते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में वैक्यूल्स बहुत बड़े, ठीक है, बहुत बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रल वैक्यूल और सम प्लांट सेल्स, सेंट्रल वैक्यूल मैंने अभी भी बताया आपको, वैक्यूल पर मोस्ट सेंट्रल होता है जो बड़ा होता है। सो सेंट्रल वैक्यूल और सम प्लांट सेल्स में ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ द सेल वॉल्यूम, पूरा जो सेल होता है, पूरा जो सेल होता है उसका 50-90% हिस्सा सिर्फ वैक्यूल ही होता है, ऐसा समझ लो आप, वैक्यूल सेल का 50-90% हिस्सा कंज्यूम करता है। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप, प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, वैक्यूल्स में सेल सैप होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सेल सैप, सैप का मतलब लिक्विड पार्ट होता है प्लांट्स का, एकदम स्टिकी प्लांट, आप कभी तोड़ो ऐसे प्लांट को, लीव तोड़ के देखो, सो कुछ स्टिकी स्टिकी हाथ में आएगा, सो वो लिक्विड होता है जो अंदर होता है प्लांट्स के। सो प्लांट सेल्स वैक्यूम्स आर फुल ऑफ सेल सैप, जो आप प्लांट सेल्स में देखोगे तो वैक्यूम्स के अंदर बहुत सारा सेल सैप होता है, एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी ऑफ द सेल। तो ये क्या करता है, सेल को क्या देता है, ये वैक्यूल में जो सेल सैप होता है वो क्या देता है,
टर्जिडिटी और रिजिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय टर्जिडिटी? टर्जिड होना, टर्जिड होना मतलब टर्जिड होने का मतलब होता है कि भाई एकदम उसको स्थिर रखता है, ठीक है, उसको एकदम स्थिर बनाए रखता है. रिजिडिटी, देखो दो शब्द हैं, टर्जिडिटी रिजिडिटी. रिजिडिटी मतलब बैंड नहीं होने देता है, प्लांट को सीधा रखता है, ठीक है, सेल से प्लांट को सीधा रखता है, दैट इज रिजिडिटी. और टर्जिडिटी क्या होता है, टर्जिडिटी प्लांट में इतना पानी भर देता है, मतलब इतना लिक्विड भर देता है, प्लांट इतना फूल जाता है, स्वॉल हो जाता है, सेल स्वॉल हो जाता है, और उसकी वजह से वो सीधा ही खड़ा रहता है, ठीक है. सो टर्जिडिटी एक प्रेशर है जो सेल पे, जो वैक्यूल के अंदर जो सेल सैप है वो क्रिएट करता है प्लांट पे, और वो जो अंदर प्लांट स्वेल हो जाता है, और उसकी वजह से बिल्कुल प्लांट खड़ा रहता है, ठीक है, बैंड नहीं होता है. सो टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है जो वैक्यूल है वो प्लांट को. सब्सटेंसेस लाइक अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स इन प्लांट्स. क्या क्या स्टोर होता है, आपने बोला सेल सैप, पर सेल सैप में क्या क्या है? सो क्या क्या स्टोर होता है वैक्यूल के अंदर? अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स क्या होती है? वो प्रोटीन की यूनिट्स होती है, ठीक है. अमीनो एसिड, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स स्टोर होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में. क्या क्या स्टोर होते हैं? अमीनो एसिड्स, शुगर्स, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं. जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ही सेल के बने हुए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सो इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वेस्ट फ्रॉम द सेल. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हो. सो उसमें क्या होता है, वैक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वो क्या करते हैं, वैक्यूल्स जो भी वेस्ट होता है सेल के अंदर जो भी, तो वो बाहर निकालने का काम भी वैक्यूल्स ही करते हैं. इनफैक्ट अमीबा का अगर मैं एग्जांपल दूं, सो अमीबा क्या करता है, अमीबा जो फूड इनटेक करता है, मैंने आपको बताया था सूडोपोडिया की मदद से वो अंडर इनटेक करता है, तो वो कहाँ स्टोर करता है फूड? वैक्यूल में ही स्टोर करता है. इवन आप अमीबा का भी एग्जाम्पल यहाँ एड कर सकते हो, ठीक है. सो यू हैव टू राइट दिस इन वैक्यूल. व्हाट यू विल बी राइटिंग? वैक्यूल है स्टोरेज सैक्स है, SACS सैक्स. अच्छा, इससे पहले आपने ल्यूकोप्लास्ट पढ़े थे, ल्यूकोप्लास्ट में भी स्टोर होता है, आपने पढ़ा था ना कि दे ऑल्सो स्टोर, ठीक है, दो तीन चीजें वो भी स्टोर करते हैं. सो ल्यूकोप्लास्ट भी स्टोर करते हैं, ठीक है. सो हेयर वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल, व्हाइल प्लांट सेल्स है लार्ज वैक्यूल्स. जो सेंट्रल वैक्यूल होता है वो प्लांट का 50-90% तो वही होता है, मतलब प्लांट का 50-90% सेल का हिस्सा तो वैक्यूल ही अपना है, उसी का ही होता है. क्या होता है वैक्यूल के अंदर? सेल सैप होता है, जिसकी वजह से प्लांट को रिजिडिटी टर्जिडिटी मिलती है. सो व्हाट सेल सैप कंटेंट, सेल सैप में क्या क्या है? अमीनो एसिड्स है, शुगर्स है, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स है, प्रोटीन्स है, ठीक है. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशलाइज वैक्यूल्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो एक्सेस वाटर है, वेस्ट है, ऐसी चीजें बाहर फेंकने के लिए. सो वैक्यूल्स आर द मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली फॉर प्लांट्स, ठीक है. सो दिस वॉज योर वैक्यूल एंड दिस वॉज द लास्ट सेल ऑर्गेनली. बच्चों अभी हम लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, जिसपे चैप्टर एंड हो रहा है. सो द टॉपिक इज सेल डिवीजन, ठीक है. सेल डिवीजन की डेफिनेशन क्या है? तो सेल डिवीजन का मतलब होता है डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स, सेल का डिवीजन नए सेल बनाने के लिए, ठीक है. क्यों डिवीजन क्यों जरूरी है? तो आपको कभी चोट लगती है, ठीक है, आपकी चोट लगती है तो आपकी चोट थोड़े दिनों में या थोड़े टाइम में ठीक हो जाती है. अंदर जो जायगॉट होता है, ठीक है, फिर वो बेबी बन के बाहर निकलता है और बेबी से एडल्ट बनता है, तो वो कैसे हो गया? वो हो गया सेल डिवीजन से, ठीक है. मैं आपको सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस बता रही हूँ, सेल डिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है. आपकी जो चोट है वो ठीक कैसे होती है? सेल डिवीजन की वजह से. क्यों? क्योंकि सेल क्या करता है, नए सेल बनाता है, ठीक है. वो जो आपकी जो चोट की वजह से जो सेल डैमेज हो गया था उसको रिप्लेस करके नए सेल आते हैं. उसी तरह से
जैसे जायगोट से बेबी बना तो वो सेल का क्या हुआ, सेल डिवाइड होके नए और नए सेल बने, इंक्रीज हुई सेल, ठीक है। सो जो न्यू सेल फॉर्मेशन की वजह से बेबी फॉर्म हुआ, और फिर जब आप बड़े होते हो तो कैसे बड़े होते हो, ठीक है, आप अपने छोटे होते हो फिर बड़े होते हो, बड़े होते हो क्यों, कैसे होते हो, क्योंकि आपके शरीर में सेल डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है। सो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन बेसिकली है क्या, डेफिनेशन इज डिवीजन ऑफ सेल्स इंटू न्यू सेल्स, सेल्स का डिवीजन नए सेल्स बनाने के लिए उसे हम कहते हैं सेल डिवीजन, ठीक है। सो रीजन क्या है, सेल डिवीजन क्यों होता है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया, चोट लगती है वो ठीक हो, आपकी ग्रोथ हो, ठीक है। सो देयर आर थ्री रीजन फॉर सेल डिवीजन, द फर्स्ट रीजन इज ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म ग्रो करे इसीलिए, ठीक है। सेकेंड रीजन इज रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल्स, ठीक है, जो पुराने हो गए हैं सेल काम कर, मतलब अंदर सेल काम कर करके बूढ़े हो गए हैं, इंजर्ड हो गए, उन्हें रिप्लेस करके नए सेल आते हैं। सो फॉर गैमेट फॉर्मेशन, अब गैमेट फॉर्मेशन क्या है, गैमेट फॉर्मेशन मतलब आपके रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जायगॉट बनता है, दैट इज गैमेट फॉर्मेशन, वो आप आगे पढ़ोगे, ठीक है। गैमेट फॉर्मेशन की वजह से, जिसकी वजह से जायगॉट बनता है, उसके लिए भी सेल डिवीजन जरूरी है, ठीक है। सो सेल डिवीजन कितने तरह का होता है, दो तरह का, माइटोसिस और मियोसिस। अच्छा, ये समझाने से पहले पहले बेसिक चीज समझ लो, देखो सेल डिवीजन, देखो ये सेल है मेरा, ठीक है, तो सेल जब भी सेल, ये मेरा सेल है, तो सबसे पहले सेल के अंदर ये देखो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देखो न्यूक्लियस एक्सटेंड हो रहा है, अब ये रहा न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड होकर सेल डिवाइड हो गया, तो जब भी सेल डिवीजन होता है, ये सेल डिवीजन है, पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियो वर्ड का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, कभी भी सेल डिवाइड होता है तो पहले क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस। तो देखो ये देखो यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, ठीक है, न्यूक्लियस देखो यहाँ ऐसे था, न्यूक्लियस डिवाइड जैसा हुआ, और फिर फाइनली सेल डिवाइड होगा, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। तो कभी भी सेल में पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद सेल डिवाइड होता है, ठीक है। अच्छा, अब सेल के बारे में थोड़ा सा जान लो, सेल क्या होते हैं, देखो हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो सोमेटिक सेल्स होते हैं जिन्हें ग्रोथ सेल्स भी कहा जाता है, जो आपकी ग्रोथ वगैरह के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, एंड द अदर सेल्स आर जर्म सेल्स, GERM सेल्स, ठीक है, जर्म सेल्स। जर्म सेल्स मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये जिम्मेदार होते हैं जायगॉट बनाने के लिए, ठीक है, बेबी प्रोडक्शन के लिए, दैट वो जर्म सेल्स इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ देखें, डिप्लॉयड सेल एंड हैप्लॉयड सेल। अच्छा, मेन सेल टाइप, मैं आपको सेल टाइप बता रही हूँ, सेल किस किस तरह के होते हैं, मेन सेल टाइप, तो सेल एक डिप्लॉयड होते हैं और एक होते हैं हैप्लॉयड सेल, ठीक है। जो डिप्लॉयड सेल होते हैं, डिप्लॉयड सेल टू एन टाइप होते हैं, डिप्लॉयड देखो वर्ड DI है, डिप्लॉयड टू एन टाइप है। जैसे मैं आपको हमारे ह्यूमन बॉडी की बात करूँ, तो हमारे ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, नॉर्मल सेल में, ह्यूमन बॉडी में नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये 46 क्रोमोसोम का मतलब 2N, डिप्लॉयड, 46 क्रोमोसोम का मतलब डिप्लॉयड मतलब 2N, ठीक है, 2N टाइप हुआ। और हैप्लॉयड क्या होता है, सिंगल N, ठीक है, और 2N का आधा N, ठीक है, और उसे हैप्लॉयड कहते हैं, ठीक है, N जैसे 23 क्रोमोसोम है उसे हम हैप्लॉयड कहेंगे, 23 क्रोमोसोम मतलब हैप्लॉयड सेल। अच्छा, ऐसा क्यों, तो देखो हमारा जो स्पर्म, मतलब मेल में जो स्पर्म होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में जो ओवम होता है उसके पास 23 क्रोमोसोम होते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो फ्यूज होते हैं रिप्रोडक्शन के दौरान, तो उसमें फिर जो नया जायगॉट फॉर्म होता है उसमें 46 क्रोमोसोम, 23 इसकी, 23 इसकी, फिर 46 बनते हैं जायगॉट में। अगर सपोज इसमें 46 होते, इसमें 46 होते, तो इसमें तो 92 हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो एक नॉर्मल ह्यूमन सेल है, एक ह्यूमन बॉडी का, उसमें 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। सो इतना याद रखो, जो हमारे जर्म सेल्स होते हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवम, तो उनके पास हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, हैप्लॉयड मतलब एन, मतलब 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, क्यों, क्योंकि जब वो फ्यूज होकर जायगॉट बनाते हैं तो उसमें 46 क्रोमोसोम्स आते हैं, ठीक है। सो अभी हम आगे और पढ़ते हैं, अभी हम माइटोसिस मियोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं, अभी हमने सिर्फ इतना एक सेल डिवीजन की डेफिनेशन डिस्कस की, हमने रीजन क्या है डिवीजन का वो डिस्कस किया, डिवीजन होता कैसे है बेसिक, हमने बेसिक ओवरव्यू लिया कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है और उसके बाद सेल डिवाइड होता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस मतलब सेल डिवीजन। अच्छा, अब मैंने फिर आपको सेल टाइप्स बताया, सेल टाइप्स क्या होते हैं, मैंने टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सेल टाइप्स तो दो होते हैं, डिप्लॉयड हैप्लॉयड,
डिप्लॉयड मतलब 2n नंबर ऑफ सेल्स, इसमें n ठीक है, डिप्लॉयड मतलब 46 क्रोमोसोम्स और हैप्लॉयड मतलब 23 क्रोमोसोम्स ठीक है। सो जब 23 क्रोमोसोम्स ईच फ्यूज होते हैं सो 46 क्रोमोसोम्स ठीक है। सो दिस वॉज द बेसिक एक्सप्लेनेशन, वो आपको भी लिखनी है। अब आगे हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ते हैं। बच्चों अभी हम माइटोसिस और मियोसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि टू टाइप ऑफ सेल डिविजन्स माइटोसिस और मियोसिस होता है। सो यहाँ देखो माइटोसिस और मियोसिस के बीच का डिफरेंस। तो माइटोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। मतलब वो सेल्स हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं सिर्फ ग्रोथ के लिए डिवाइड होते हैं ठीक है, सिर्फ ग्रोथ ही उनका काम होता है और कुछ नहीं ठीक है। इन्हें सोमेटिक सेल्स भी कहते हैं। सो दे जस्ट डिवाइड फॉर ग्रोथ, माइटोसिस हमारी ग्रोथ के लिए होता है ठीक है। जबकि मियोसिस सम स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। इट इन्वॉल्व्स टू कंसेक्यूटिव डिविजन्स। देखो हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ठीक है, मेल में मेल और फीमेल में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं, मैंने आपको बताया था एंड ठीक है, मतलब आधे डिवाइड होते हैं। सो दे डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स, डिवाइड होकर क्या बनाते हैं गैमेट, इनका काम क्या होता है गैमेट, और उस गैमेट से ही जायगॉट बनता है ठीक है। सो इसी तरह से बेबी बनता है ठीक है, बेबी डेवलप होता है। सो गैमेट्स बनाना इनका काम है, मतलब अगर जायगॉट बनाना है ठीक है, जायगॉट से बेबी बनाना है, सो जायगॉट बनाने के लिए गैमेट बनाना इंपॉर्टेंट है। सो सम स्पेसिफिक सेल्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिवाइड टू फॉर्म गैमेट्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस से गैमेट्स बनते हैं। सो इसमें देखो टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, ये याद रखना, माइटोसिस में एक ही बार डिवाइड होता है जबकि मियोसिस में दो बार डिवाइड होता है। देखो मैंने यहाँ फिगर बना के रखी है, तो देखो यहाँ माइटोसिस है एक ही बार डिवीजन हुआ। देखो ये 2n डिप्लॉयड सेल थे, ये डिप्लॉयड सेल बने, ये डिप्लॉयड सेल बने ठीक है, ये मदर सेल है और ये दो डॉटर सेल बने, एक ही बार डिवीजन हुआ। जबकि मियोसिस में देखो दो बार डिवीजन हो रहा है। देखो ये मियोसिस है, इसमें देखो दो बार डिवीजन हुआ, ये देखो ये हमारा 2n था, ये n हुआ n n n n ठीक है। सो इस तरह से मियोसिस में दो बार डिवीजन हुआ, देखो ये एक बार डिवीजन हुआ, ये दो बार ठीक है। सो मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है और माइटोसिस में ओनली एक बार डिवीजन होता है। मियोसिस किसके काम आता है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए, गैमेट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जायगॉट प्रोड्यूस करता है, और जो माइटोसिस है वो ग्रोथ के लिए काम आता है ठीक है। इन दिस प्रोसेस फोर न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस, इस प्रोसेस में चार सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जबकि इसमें इन दिस प्रोसेस कॉल्ड ईच सेल कॉल्ड मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, टू सेम डॉटर सेल्स बनते हैं। देखो इसके नाम में ही टू है ठीक है, नाम में ही टू है, तो ये दो डॉटर सेल्स बनाता है। जो ओरिजिनल सेल है, जो मेन सेल है, उसे मदर सेल कहते हैं, और जो दो नए सेल्स बनते हैं उन्हें डॉटर सेल कहते हैं, सन सेल नहीं कहते हैं, डॉटर सेल कहते हैं ठीक है। सो ये दो डॉटर सेल्स बनाता है, और जबकि ये फोर डॉटर सेल बना रहा है। देखो ये मियोसिस है, एक दो तीन चार, चार डॉटर सेल बना रहा है, ये दो डॉटर सेल बनाएगा, ये चार ठीक है। थर्ड है द डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज मदर सेल ठीक है। सो डॉटर सेल जो कि प्रोड्यूस, देखो उसके पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो डॉटर सेल बने उसको सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और इसके में न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जो नए सेल बनते हैं उनके पास हाफ ही होते हैं। देखो यहाँ पे ये जो 2n था ठीक है, तो लास्ट में देखो सब n n n से सबके हाफ है ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज इन ऑर्गेनिजम्स। ये किसमें काम आता है, ग्रोथ और रिपेयर, मतलब कभी कोई चोट लग गई या ग्रोथ के लिए, तो माइटोसिस उसके लिए जरूरी है, और मियोसिस किसके लिए जरूरी है, इट हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए बेबी फॉर्मेशन ठीक है। सो रिप्रोडक्शन के लिए हमारा मियोसिस इंपॉर्टेंट है, और माइटोसिस है हमारा ग्रोथ और रिपेयर के लिए ठीक है। सो वंस अगेन सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ या सेल डिवाइड फॉर गैमेट्स ठीक है। इधर मदर सेल प्रोड्यूसेस टू डॉटर सेल्स, इधर मदर सेल प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल्स ठीक है। इधर डॉटर सेल्स हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, डॉटर सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें ग्रोथ और रिपेयर, ये रिप्रोडक्शन। जिनको बायो में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है,
ये 11th में बहुत डीपली पढ़ाया गया है, 11th में मियोसिस माइटोसिस बहुत ज्यादा डीपली आएगा, ठीक है। सो आप बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये सिर्फ आपके लिए इंट्रोडक्शन है मियोसिस माइटोसिस टॉपिक का। सो आप इतना याद रखो कि मियोसिस में दो बार डिवीजन होता है, माइटोसिस में एक बार ही होता है। माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं और मियोसिस में क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं हाफ में, ठीक है। सबके पास हाफ हाफ है, 4 डॉटर सेल, इसमें 2 डॉटर सेल, ठीक है। सो इट वॉज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, इट वॉज अ इजी टॉपिक, दैट वॉज अवर माइटोसिस एंड मियोसिस। विथ दिस वी एंड अवर दिस चैप्टर, नाउ यू विल डू सम क्वेश्चंस। अच्छा आप प्लीज ये जो जितना भी मैं बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखती हूँ एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, हर चीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जस्ट राइट इट इन योर नोटबुक। डोंट आस्क मी कि मैम शल आई राइट और नॉट, यू हैव टू राइट इट बिकॉज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। दीज नोट्स दैट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू, दीज आर इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। सो जस्ट राइट इट, आप एग्जाम के टाइम सिर्फ इसको प्रिपेयर करोगे और चैप्टर विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। बच्चों एक और क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में रह गए थे वो कवर कर लेते हैं। पेज 65 पे क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेलीज वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। कौन से दो ऑर्गेनेलीज हैं जो जिनके पास अपना जेनेटिक मटेरियल मतलब खुद का डीएनए, जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए, खुद का डीएनए किसके पास होता है? अभी अभी पढ़े, आज ही पढ़े, सॉरी कल भी एक पढ़ा था। सो द आंसर इज द टू सेल ऑर्गेनेलीज दैट कंटेन देयर ओन डीएनए आर और जेनेटिक मटीरियल आर, फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकेंड प्लास्टिड्स, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास, दोनों के पास अपना डीएनए होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एक का छूट गए थे हम वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। बीच में ब्लूप्रिंट में कहीं कुछ छूट गया हो तो पीछे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में आ जाओ। एनसीईआरटी क्वेश्चंस में 10th नंबर 67 पेज पे, Which type of cell division is required for growth and repair of body? Which type of cell division is required for growth and repair of the body? Growth और अभी अभी पढ़ा कौन सा cell division? Mitotic, ठीक है। Mitosis या mitotic cell division is required for growth and repair of the body, ठीक है। ठीक है mitosis। अच्छा माइटोसिस है पहले का आंसर, उसी में ही सेकंड है। एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, तो मियोसिस, ठीक है। ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए माइटोसिस। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, सो माइटोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड मियोसिस इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। तो बहुत ही ये अच्छा टॉपिक था, लास्ट में हमने कवर किया, ठीक है। कुछ वन मार्क वाले क्वेश्चंस लिख ले, मैं डिक्टेट कर रही हूँ, ठीक है। लिखे वन मार्क वाले थोड़े से क्वेश्चंस। क्वेश्चन वन, व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ। मैं पांच काउंट करती हूँ, देखो खुद लिख पाते हो। 1, 2, 3, 4, 5 बताओ किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती है। सो द आंसर इज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, नेम टू सेल्स विच कीप चेंजिंग देयर शेप। दो सेल्स के नाम लिखो जो अपना शेप बदलते रहते हैं। नेम टू सेल्स
विच कीप चेंजिंग देयर शेप. ठीक है, एक तो मेरे ख्याल से आएगा ही, दूसरा देखते हैं. सो अगेन ऑन द काउंट ऑफ फाइव, 1, 2, 3, 4, 5. क्या सोचा? द आंसर इज अमीबा एंड अनदर वन इज WBC, व्हाइट ब्लड सेल. ठीक है, ये थोड़ा व्हाइट ब्लड सेल आपने डायग्राम में देखा होगा, और फिलहाल आप याद रखें, आगे वो डिटेल में आएगा. ठीक है, सो अमीबा एंड व्हाइट ब्लड सेल्स. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक है, शायद आए आपको, आई एम नॉट श्योर. नेम द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा सेल कौन सा है हमारे ह्यूमन बॉडी में? फिर से 1, 2, 3, 4, 5, कौन सा है सबसे स्मॉलेस्ट सेल? दैट इज रेड ब्लड सेल. ठीक है, RBC, रेड ब्लड सेल इज द स्मॉलेस्ट. व्हाइट ब्लड सेल क्या करता है? व्हाइट ब्लड सेल अपनी शेप बदल सकता है अमीबा की तरह, और रेड ब्लड सेल सबसे छोटा सेल है हमारे बॉडी में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी. ये आपको लिखने भी हैं, ये आपको लिखने भी हैं. विच सेल इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी. ठीक है, काउंट ऑफ फाइव, लॉन्गेस्ट सेल, 1, 2, 3, 4, 5. कौन सा आंसर सोचा? लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी है नर्व सेल, NERVECELL, नर्व सेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है, आपको आराम से आएगा आई एम श्योर. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है, ऑन द काउंट ऑफ फाइव, 1, 2, 3, 4, 5. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लाइक एसिड. ठीक है, सो नेक्स्ट वन, ये भी इजी है, कल हमने पढ़ा था, शायद आना चाहिए आपको. नेम द ऑर्गेनलीज प्रेजेंट इन लिवर ऑफ एनिमल्स टू डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स. नेम द ऑर्गेनली प्रेजेंट इन लिवर ऑफ एनिमल्स टू डिटॉक्सिफाई मैनी पॉइजन एंड ड्रग्स. कौन सा है वो सेल ऑर्गेनली डिटॉक्सिफाई करने को काम आता है? सो द आंसर इज, ये तो मेरे ख्याल से आएगा ही, मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है. सो द आंसर इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. कल आपने पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर है उसको साफ करता है. ठीक है, नेक्स्ट, ये भी बहुत ईजी है, कल पढ़ा था. What is the energy currency of the cell? What is the energy currency of the cell? So this is a very easiest one. Energy currency of the cell is ATP. The full form is adenosine triphosphate. Energy currency of the cell is ATP. कल ही पढ़ा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर जीन्स लोकेटेड इन द सेल. जीन्स कहाँ पाए जाते हैं सेल के अंदर? सेल के अंदर न्यूक्लियस में पाए जाते हैं. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स. तो उसको अच्छे से लिखते हैं, आंसर लिखें. जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. ठीक है, जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कल पढ़ा था, अगर ध्यान दिया है आपने, सारे नोट्स अच्छे से लिखे हैं, आपको ये आएगा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी इजी वन. नेम द सेल ऑर्गेनलीज दैट हेल्प्स इन पैकेजिंग. नेम द सेल ऑर्गेनलीज दैट हेल्प्स इन पैकेजिंग. पैकेजिंग में क्या काम, कौन मदद करता है? पैकर कौन था? गोल्जी अपैरेटस. द आंसर इज गोल्जी अपैरेटस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनली विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल. नेम द सेल ऑर्गेनली दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल. ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? सो द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. द आंसर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनली, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सेल ऑर्गेनली ड्यू टू विच लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट देयर कलर. किसकी वजह से लीव्स
फ्रूट फ्लावर सबको कलर मिलता है, ठीक है। लीव्स याद करो, लीव्स को किससे कलर मिलता है? द आंसर इज क्रोमोप्लास्ट। क्यों? क्योंकि क्रोमोप्लास्ट एक कलर्ड, एक मतलब वो कलर्ड था प्लास्टिड्स में, ठीक है। सो क्रोमोप्लास्ट की वजह से सबको कलर मिलता है। द आंसर इज क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द सेल ऑर्गेनली विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोजोम। लाइजोजोम के फॉर्म होने में किसका हाथ होता है? सो द आंसर इज गोल्जी अपैरेटस, ठीक है। द आंसर इज गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्लीजनिंग ऑर्गेनली ऑफ द सेल। क्लीजनिंग कौन करता है, क्लीजनिंग या क्लीनिंग? नेम द क्लीजनिंग ऑर्गेनली ऑफ द सेल, सफाई कौन करता है सेल की? लाइजोजोम्स, ठीक है। द आंसर इज लाइजोजोम्स। वेरी इजी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज माइटोकॉन्ड्रिया हैव लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास इतनी ज्यादा फोल्ड्स क्यों होते हैं अंदर? सो द आंसर इज द लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। क्या है आंसर? द लार्जली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनली मेक्स द डाइजेस्टिव एंजाइम ऑफ लाइजोजोम। कौन बनाता है लाइजोजोम का डाइजेस्टिव एंजाइम? सो द आंसर इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है जो लाइजोजोम के अंदर की डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाते हैं। सब अगर कल आपने नोट्स ढंग से लिखे हैं, मैंने एक एक चीज लिखाई थी, फंक्शन स्ट्रक्चर सब उसी पे है, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन सिस्टर्न्स, CISTERNS। डिफाइन सिस्टर्न्स क्या होते हैं सिस्टर्न्स? सो आंसर इज द गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। इस सिस्टर्न्स की डेफिनेशन आप आगे नोट्स से भी देख सकते हो, मैं फिर से बोल देती हूँ तो भी। द गोल्जी बॉडीज कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स अरेंज्ड इन स्टैक्स कॉल्ड सिस्टर्न्स, ठीक है। सो दिस वॉज ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे, ठीक है। अभी हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं, जस्ट सी फ्यू एमसीक्यूज। देखिए यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं। द फर्स्ट वन, इसमें भी बिल्कुल थोड़ी सी बुद्धि लगाइएगा, मैंने आंसर नहीं लिखे, आई हैव रिटन जस्ट द क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहला, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज फोल्डेड बिकॉज ए फॉर ट्रांसपोर्टेशन, बी टू इंक्रीज सरफेस एरिया, टू स्टोर फूड। जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, अंदर वाला मेम्ब्रेन है, वो क्यों होता है, अंदर वाला मेम्ब्रेन फोल्डेड क्यों होता है? बिकॉज टू इंक्रीज सरफेस एरिया। आपको ये याद ही हो जाना चाहिए, टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सेकेंड, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन, प्रोटीन्स कहाँ बनते हैं? सो प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स। राइबोसोम्स, ठीक है, प्रोटीन्स, राइबोसोम्स ही प्रोटीन्स बनाते हैं। थर्ड, द ऑर्गेनलीज दैट हेल्प इन द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इज, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन कौन बनाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन कौन बनाता है? ए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वर्ड आया था कल अगर याद हो एक फंक्शन में। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कौन करता है? ए लाइजोजोम, बी गोल्जी बॉडीज, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डी राइबोसोम। सो आंसर इज सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट हेयर एब्जॉर्ब्स वाटर बाय द प्रोसेस कॉल्ड। जो जड़ें होती हैं, जो प्लांट की जड़ें होती हैं, पानी वाटर कैसे एब्जॉर्ब करती है? रूट हेयर मतलब प्लांट की जड़ें पानी कैसे एब्जॉर्ब करती हैं? ए डिफ्यूजन, बी ऑस्मोसिस, सी एंडोसिस्टोसिस और डी प्लाज्मोलिसिस। सो जो जड़ें हैं पानी की, वो पानी कैसे लेती हैं? सो द आंसर इज ऑस्मोसिस। जहां पानी वर्ड आता है
वहां ऑस्मोसिस आता है, ठीक है। फिफ्थ, द सॉल्यूशन इन विच अ सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, वो सॉल्यूशन जिसमें सेल में पानी भर जाएगा, सेल में पानी भरेगा, रिलीज नहीं होगा भरेगा, तो वो कौन सा है, वो सॉल्यूशन जिसमें सेल में पानी आएगा, सो दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सिक्स नंबर, एनिमल सेल नॉट पजेस न्यूक्लियस इज, जिस एनिमल सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, बिना न्यूक्लियस वाला एनिमल सेल कौन सा है, एगोफेन, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और नर्व सेल, कौन सा है ऐसा जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, सो द आंसर इज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस किसने बनाया था, न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया था, बनाया नहीं, किसने डिस्कवर, देखा किसने था, तो वो आगे जहां आपका ये चालू हो रहा है चैप्टर, ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी में चालू हो रहा है, पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे येलो, ये पूरा येलो पैराग्राफ है, पेज नंबर 58 में पूरा येलो पैराग्राफ है, उसमें लिखा हुआ है रॉबर्ट ब्राउन, आप देखना तीन चार नाम लिखे हुए हैं, पहला है रॉबर्ट हुक जिसने सेल बनाया, फिर लुई वेन हॉयक है जिसने अच्छा माइक्रोस्कोप अच्छा वाला यूज करके उसने सेल देखा, फिर रॉबर्ट ब्राउन है उसने न्यूक्लियस बनाया, पर्किन जी है उसने प्रोटोप्लाज्म शब्द बनाया, फिर स्क्लेटन एंड श्वेन है उसने सेल थ्योरी दी, ठीक है। सो वर्को ने भी सेल थ्योरी दी, ठीक है। सो यहां देखो, न्यूक्लियस वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, सबके अलग अलग काम थे, इसने सेल बनाया, इसने पर्किन जी ने प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म मतलब इसने सेल देखा था, इसने प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस देखा था, ठीक है, वो येलो वाला पैराग्राफ अच्छे से देख लेना एक बारी। एट, द प्लांट सेल्स आर मोर रिजिड देन द एनिमल सेल ड्यू टू, जो प्लांट सेल्स से ज्यादा सख्त क्यों होते हैं, सो द आंसर क्यों, ए सेल वॉल, बी वैक्यूल्स, सी प्लास्टिड्स और डी बोथ ए एंड बी, तो दोनों सेल वॉल और वैक्यूल्स दोनों की वजह से, सेल वॉल और वैक्यूल्स दोनों की वजह से। नाइन्थ, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू, स्टोमेटा खुलता है बंद होता है किसकी वजह से खुलता है बंद होता है, सो ए सनलाइट, बी ऑस्मोसिस, सी प्लाज्मोलिसिस और डी एंडोसिस्टोसिस, सो ऑस्मोसिस की वजह से, पानी की वजह से खुलता है बंद होता है, ठीक है, पानी के आदान प्रदान की वजह से खुलता है बंद होता है। टेंथ, द सेल्स विद नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड द क्रोमोसोम्स आर कंपोज ऑफ ओनली न्यूक्लाइक एसिड्स आर, देखो वो सेल जिनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, नो नहीं होती है, वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, प्रिमिटिव जिनके पास नहीं होती है, दोज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। फाइनली टुडे वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर, एक एक चीज थ्रू आउट द चैप्टर शुरू से अंत तक जितनी इस बोर्ड पे लिखी है, यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी थिंग इन योर नोटबुक, ईच एंड एवरी थिंग माइंड वेल, ठीक है। एंड आप अच्छे से इसके बाद ये वाला डायग्राम्स आप बनाएंगे, ये हमने डायग्राम्स मिस करे, फिगर 5.3 वाले डायग्राम्स बनाएंगे, ठीक है, ये भी डायग्राम बनाने हैं आपको, ठीक है। सो हियर वी एंड टुडेज चैप्टर एंड टुडेज लेक्चर, थैंक यू।